तमाम मोमिनों को मेरा सलाम। और एक इतला ये है कि जिसका इंतज़ार पूरे हिंदुस्तान के हर मोमिन को था, हर इमाम हुसैन के चाहने वालों को, तो सबको ही चाहत है, लेकिन जिसे बहुत दिनों से परेशान था, हर मुल्कों की वीज़ाएँ खुल गई थी, हमारे इंडिया की नहीं खुली थी कोविड्स की वजह से, लेकिन आपकी हमारी सबकी कोशिश, एक आदमी की नहीं सबकी कोशिशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस जगह हम बैठे थे, हम किसी का नाम नहीं लेने के, लेकिन जहाँ बैठे थे उन्होंने अभी टेलीफोन किया हेल्थ मिनिस्टर को, जिसने रोक रखा था, वहाँ की एम्बेसी ने दो दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिले और जाके लेटर दिया। उन्होंने कहा ये सारा डिपेंड करता है हेल्थ मिनिस्ट्री पे, हेल्थ मिनिस्ट्री अगर ओके कहती है तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ मिनिस्टर से ही बात हुई अभी, और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मैं अभी एक घंटे के अंदर सर्कुलर निकाल रहा हूँ इंडियंस के लिए, ज़ाहिरीन के लिए, वो सर्कुलर रात को आ जाए या कल आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मोमिनीन हिंदुस्तान को ये इतला देता हूँ कि आप सबके लिए अब अपने बैग तैयार कर लें, जल्द से जल्द आप इंशाल्लाह करबला जा रहे हैं और इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए वो सवाब है कि अरबईन का, कि जिसका कोई भी ये बता नहीं सकता कि कितना बड़ा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को अरबईन मौला बुलाएं, मेरी दिल से दुआ है, और जिसने भी इस काम में शरीक रहे हमारे साथ भी या जिस प्लेटफॉर्म पे किया, सबको शहजादी जनाब सैयदा उसको अजर दें और उसके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। मैं ख़ास तौर पे आज बहुत बड़ा काम हुआ, हेल्थ मिनिस्टर से बात हो गई, उसने हमने खोल दिया, आपको मैं वीडियो के थ्रू पूरे हिंदुस्तान के मोमिनीन को बताना चाहता हूँ, वो अपनी तैयारी शुरू करें, आज या कल में सर्कुलर आ जाएगा इंशाल्लाह, अपनी वीज़ाओं की फ़्लाइटों की तैयारी करें या और जाके कब्र हुसैन पे और मोमिन वहाँ पहुँचे उनके लिए दुआ करें। वहाँ इंशाल्लाह ग्लोबल हुसैनी मिशन की 20 को भी शब्बेदारी अरबईन के दिन, 21 को हज़रत अब्बास के उसमें भी शिरकत करें, और तमाम मौलवियों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आपस की लड़ाई ये ख़त्म कर दें, इमाम हुसैन का वास्ता, जनाब फातिमा जहरा का वास्ता, जिस तरीके से ये लेट हुआ और पाकिस्तान के या और मुल्कों के लोगों ने दबाव डाला इराक़ पे और खुल गया, हमारे यहाँ भी मौलानाओं को एक होके एक प्लेटफॉर्म पे होके ये दबाव गवर्नमेंट को डालना चाहिए था कि आप वहाँ इतला करें। आज कोरोना यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में बहुत कम हो गया है, डालते तो ये काम पहले हो जाता, लेकिन खैर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने किया, और सब एक हो करें, यही इमाम हुसैन का वहाँ से पैगाम है जनाब सैयदा के, एक होंगे तो ताकत होगी, छोटे सी कौम है। सलाम अलैकुम।